चलिए बढ़ते हैं सवैये। फर्स्ट सवैया, मानुस हो तो वही रसखानी, बजो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। बसो, बसना, रहना। कहाँ, बस, वश में न होना। मंझारन, बीच में। गिरी, पर्वत। पुरंदर, इंद्र। कालिंदी, यमुना। चलिए अर्थ देखते हैं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य का जन्म लूँ तो गोकुल गांव में लूँ, जिससे मैं ग्वालाओं के साथ रह सकूं, और यदि मैं पशु का जन्म लूँ तो नंद बाबा की गायों के साथ चरूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत पर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का अंगुली पर धारण किया था, और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे लगे कदंब की डाल पर बसेरा करूं, जहां श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाया करते थे। सारांश में ये बताया गया है कि रसखान कृष्ण भक्त थे। उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर वे ब्रजभूमि चले गए, और वहां उन्होंने कृष्ण की भक्ति में रचना की।